वंदे गुरुपद्द्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समयुक्तं बिंदावनम मनोहरम वांशाकल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयद्गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं बिन्दावै तुलसीदेवै प्रियावै केशवस्य कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण धैयम सदा परिभवग्नम अभिष्टदोहम तेथास्पदम शिव विरिंचनुतम शरण्यम वेतातिहम पुनदुबाल भवाद्विभूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाया विस्फुरजित किमपि गभवदुषादर्श पूर्णानुराग्र ससागर सारमूर्ति साराधिकामयी कदा कृपां करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदत संकीर्तनैक पितरो कमलाहताक्ष विशाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदत संकीर्तनैकपितरो कमलाहताक्ष विशाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानां गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं
Narayano Priyamanango Madhaparam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagishajusho Vadane Lakshmir Jasya Bhakshashi Jasyaste Hidya Sambhid Vam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kalo Bhagavatam Nam Durlabham Naiva Labhate Brahma Rudra Pradat Krishtam Guru Nakachitam Mamo Kalau Bhagavatam Namadurlabam Naivalabhyate Brahma Rudra Pradat Krishtam Guru Nakachitam Mamo Gauriya Gashtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupad Paramahansa Jagat Guruji ne bataye हर किसी को गुरु बोल के ग्रहण करना उचित नहीं है। मैं ऐसा गुरु का चरण में आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ जो मेरे को शत प्रतिशत मंगल दे सकता है। मैं उन्हीं गुरु का चरण में आत्मसमर्पण कर आत्मनिवेदन करना चाहता हूँ जो मेरे को सब कुछ दे सकता है। सब कुछ मतलब भगवत चरण दे सकता है, जो मेरे को एब्सोल्यूट मंगल परम मंगल दे सकता है। बहु व्यक्ति को गुरु बोलकर ग्रहण करना ठीक नहीं है। बचपन में मास्टर जी को गुरु बोलते थे। प्रभुपाद कहते हैं गिटार सीखने का गुरु, अंग्रेजी सीखने का गुरु, विज्ञान सीखने का गुरु, संस्कृत सीखने का गुरु, सारे गुरु। यहाँ तक कि हमने सुना है नशा का भी गुरु होता है। उन्होंने नशा सिखाया, कैसे नशा किया जाए, इसीलिए गुरु बोलता है। प्रभुपाद बोलते हैं कर्मी गुरु, ज्ञानी गुरु, योगी गुरु, ये लोगों का जो गुरुत्व है, ये लोगों का जो गुरु गुरुत्व है, ये अनित्य है, नित्य नहीं है। इसीलिए हर व्यक्ति को, बहु व्यक्ति को गुरु बोलकर ग्रहण करना उचित नहीं है। इसमें फायदा कुछ नहीं होगा, बस मेटेरियल बेनिफिट थोड़ा हो सकता है और कुछ नहीं। और गुरु का बराबर, हमारा गुरु का बराबर अगर हर कोई को माने तो एक किस्म का गुरुभावज्ञा है। अगर हम गुरु का जो सम्मान है हर कोई को देना शुरू करें, ये उचित नहीं है। गुरु अवज्ञा करना उचित नहीं है, क्योंकि गुरु पाद पद्मों ही हमारा सौत वाणी का आधार है। और गुरु का निंदा, गुरु का अवज्ञा होने से सौत वाणी का निंदा ऑटोमेटिक स्वाभाविक हो जाता है। हर व्यक्ति को गुरु का समान माने, ये एक किस्म का गुरु अवज्ञा है, ठीक नहीं है। मन नाथ मत गुरु जगत गुरु मन्याथ जगन्नाथ। प्रभुपाद कहते थे मत गुरु जगत गुरु मन्याथ जगन्नाथ। मेरा गुरु पाद पद्म दया का सागर है, अनंत सागर है, और एक बूंद अगर हमारा ऊपर टपक पड़े तो मैं भी पानी में
कृपा का बारी में बहकर जाऊं, कृपा सिंधु के एक बिंदु हमको आनंद के सागर में डुबा सकता है। गुरुपाद पद्म कहते थे हम जैसा मूर्ख को वहां मत जाओ, क्या चाहिए तुम्हारा, कितना पांडित्य चाहिए, कितना प्यूरिटी चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितना प्रतिष्ठा प्रतिपत्ति चाहिए, वहां जाने का दरकार नहीं है, यहां आ जाओ। श्री गुरु का दरबार में, गुरु का चरण में सब कुछ मिलता है, सब कुछ, किसी जाने का जरूरत है नहीं। जो वास्तविक रूप में गुरुचरण आश्रय किया है वो कभी भी अभाव महसूस नहीं करता है। जो वास्तविक रूप में गुरुचरण का आश्रय लिया है वो कभी भी किसी भी चीज के लिए अभाव महसूस नहीं करता है। कितना घरवाड़ी चाहिए, कितना प्रतिष्ठा प्रतिपत्ति चाहिए, कितना मकान बारी, सब पंडित, सब जो कुछ है सब, कितना संयम, कृष्ण एस्ट्रेटियस संयम प्रताप प्रतिपत्ति, जितना संयम सब आओ, सब हमारा पास आओ। गुरु कह रहे हैं कि तुमको उधर भगने का जरूरी है नहीं, इधर आओ मेरा पास आओ। हमारा घर का कमी है, पैसा का कमी है, महाराज ये सब विचार मत करो, ये सब विचार मत करो, ऐसा करके भागादौरी मत करो। पोपात को एक आदमी ने प्रश्न किया, कौन व्यक्ति सिद्धि लाभ कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी को किसी ने प्रश्न किया था, महाराज ये बताइए कौन सिद्धि लाभ कर सकता। प्रभुपाद ने एक लाजवाब जवाब दे दिया, लाजवाब जवाब दे दिया। क्या है, मतलब कोई इसमें कोई चिंता करने का कोई विषय है ही नहीं, एक ही उत्तर है, those who are situated in Sautobani, they can come out successful। देखने में एक शब्द है ना, एक वाक्य है, सौतपंथी, जो सौतपंथा में अवस्थित है वो सिद्धि लाभ कर सकता, बाकी कोई नहीं। जो व्यक्ति तर्क उठा रहा है, परंपरा में दोष आरोप कर रहा है, बहुत सारे हंगामा मचा रहा है, अपना लाभ प्रजा प्रतिष्ठा के लिए गुरुवर्गों को गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, नया सा रास्ता खोल रहा है, इसका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि तर्क उठाने वाले क्योंकि तर्क उठाने वाले व्यक्ति का मंगल नहीं होता है, क्योंकि तर्क का कोई प्रतिष्ठा नहीं है। सौतवाणी सौतपंथा नित्य स्वप्रतिष्ठित सेल्फ एस्टाब्लिश्ड, सौतपंथा को किसी ने दया करके स्थापन नहीं किया, सौतपंथा को किसी ने दया करके स्थापना नहीं की, ये ऑटोमेटिक है। सौतो पंथा नित्य स्वप्रतिष्ठित सेल्फ एस्टाब्लिश्ड, जो संत महात्मा का अंदर, जो साधु का अंदर चौबीसों में चौबीस घंटा हरि कीर्तन हरि कथा करने के लिए चाहत है, करता भी है, वो है वास्तव साधु, और सिद्धि लाभ वही कर सकेगा।
और कोई नहीं। बाकी जो असुर लोग हैं, असुर लोगों का विचार तो अलग है। जैसे गीता में बताया भगवान, जानी सर्वभूतानां तस्याम जगृति संयमी यस्याम जगृति भूतानि सानि पश्यतो मुनि। जानी सर्वभूतानां अप्राकृत विषय आत्मतत्व का विषय में तमाम दुनिया सोए हुए हैं। आत्मतत्व का विषय में अपना एब्सोल्यूट मंगल का विषय में आत्मतत्व का विषय में तमाम दुनिया सो रहा है, मतलब वो लोगों का कोई चेतना नहीं है, वो लोगों का कोई चेतना नहीं है। जानी सा सर्वभूतानम, ये तमाम जगत जिस विषय, ये तमाम जगत जिस विषय लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं है, बिल्कुल चिंतित नहीं, वो लोग चिंता ही कर नहीं सकता। तमाम ये मरणशील, ये मरणशील नाशवान जगत का विषय लेके व्यस्त है। इन्हीं इन लोगों के बारे में बताया गया, यानी स सर्वभूतानम। जब रात्रि के समय में पूरा दुनिया सोता है, लेकिन संत महात्मा हर वक्त जगृत जगृत रहता है, जगरूक रहता है हर वक्त। इस विषय में पैसा मुकान बारी लाभ पूजा प्रतिष्ठा का बारे में पूरा दुनिया बड़ा होशियार है, पूरा दुनिया बड़ा होशियार है, और इन सब विषय में संत महात्मा उदासीन रहता है। इस विषय में संत महात्मा लोग उदासीन रहता है, अनित्य विषय। जानी सर्वभूतानम तस्यम जगृति संयमी यस्याम जगृति भूतानि सानि पश्यतो मुने। यही विचार है। जो श्लोक देकर शुरुआत किया था, बड़ा अद्भुत श्लोक है, हरिभक्ति विलास में ये श्लोक दिया गया। इस श्लोक में स्वयं इंद्र महाराज कहते हैं, स्वयं इंद्र महाराज, स्वयं स्वर्गराज इंद्र महाराज कहते हैं, कलो भागवतम नाम दुर्लभम नैव लभ्यते ब्रह्मरुद्र प्रदत्कृष्टम गुरुना कथितम मम। कलो भागवतम नाम दुर्लभम नैव लभ्यते। कलिकाल में भागवतम नाम दुर्लभम नैव लभ्यते, मिलना मुश्किल है ऐसा महाभागवत वैष्णव। ये जो भागवत ये टाइटल है, उपाधि है, ये तमाम ब्रह्मो ब्रह्मा शंकर सब इससे भी ऊपर है, बहुत ऊपर है। ब्रह्मो रुद्रोत्कृष्ट है, ब्रह्मो रुद्रो प्रदोत्कृष्टम कृष्टम गुरुणा कथितम। ब्रह्म रुद्रादि का जो पद है, सम्मान है, इससे बहुत ऊपर है। कल कलौ भागवतम नाम दुर्लभम नैव लभ्यते ब्रह्म रुद्र पदोत्कृष्टम गुरुणा कथितम मम। कलौ भागवतम नाम दुर्लभम नैव लभ्यते ब्रह्मरुद्र पदोत्कृष्टम गुरुना कथितम मम। ऐसा ही है। कलिकाल में भागवत, जो महापुरुष भागवत, बड़ा दुर्लभ है, लेकिन मिलता है, बहुत दुर्लभ,
सुदुर्लभ। ब्रह्मा शंकर का पद, ब्रह्मा या शंकर का पद से भी बहुत ऊंचा। ये इंद्र महाराज जी कह रहे हैं कि मेरा गुरुजी बृहस्पति जी ने यह बताया, मेरा गुरु बृहस्पति जी ने बताया। मैंने चर्चा करते हुए पिछले सप्ताह ये बात को दिखाया, निन्नी जो आचरण के द्वारा शिक्षादान और हृदय का शुद्ध अवस्था जरूरी है। अची नोति जो स्वास्थ्यार्थम स्वयं आचरे स्थापितोपि हैं, स्वयं आचरते यस्माद् आचार्यो स्तेन कृतिवान्। भाई पुराण में लिखा हुआ है जो अपना आचरण में शास्त्रों का जो वाणी है अपना आचरण में पालन करते हैं, आची नोति जो स्वास्थ्यार्थम आचार्य स्वयं हैं स्थापयति, स्वयं आचरते यस्माद् आचार्यो स्तेन कृतिता। जो आचरण करके शास्त्रों का वाणी, शास्त्रों का वाणी आचरण करके जो अपना जिंदगी में शास्त्रों का वाणी को प्रतिष्ठा किया और औरों को भी दूसरों को भी सिखाता है, दूसरे का हृदय में ये आचरण के प्रतिष्ठा करता है। आचरण भगवत धर्म का आचरण ये प्रतिष्ठा करवा सकता है दूसरे का हृदय में, और स्वयं आचरण करता है इसलिए इसका नाम आचार्य। स्वयं आचरते यस्मात् आचार्यो स्तेन कृते। अब क्वेश्चन आता है आचरण किसको बोला जाता है, आचरण किसको बोला जाता है। कोई अगर क्वेश्चन करे तो, आचरण क्या है, आचरण का मतलब क्या ये है कि दिन में तीन बार चार बार नहाना ये आचरण है, हैं शौचाचार पालन करना ये तो है ही है, ये तो है ही है, लेकिन आचरण का इनर मीनिंग क्या है, जिसका अंदर में भक्ति आचार है, अर्थात जिनके जिंदगी में भगवान को संतुष्टि विधान करने का हर हालत में प्रचेष्टा है, हर हालत में पल पल में, जिसका पल पल में जिसका जिंदगी में ये चाहत है कि कैसे मैं भगवान को संतुष्ट बनाऊं, आनंद दे सके, यही वास्तविक आचरण है। और ये आचरण का इंपैक्ट औरों का हृदय में पड़ सकता है। मैंने कई बार कह चुका पहले भी, आचरण का ऐसा प्रभाव है कि बिना कोई प्रवचन दूसरे के हृदय में प्रभाव फैला सकता है। आचरणशील व्यक्ति बिना कुछ बोले बहुत कुछ बोल देता है, आचरणशील व्यक्ति के सामने चरित्रहीन आचरणहीन जो सब प्रचारक है प्रतारक है आचार्य भयभीत हो जाता है। आचरणशील व्यक्ति अगर सभा में उपस्थित रहे बाकी आदमी जिसका आचरण है वो भयभीत हो जाता, क्यों, वो जानता है पकड़ा जाएंगे, हम पकड़ा जाएंगे। इसलिए आचरण का प्रभाव इतना है
श्रीमान नित्यानंद प्रभु का कृपा के अलावा सद आचरण में प्रतिष्ठित होना बड़ा मुश्किल की बात है, बड़ा मुश्किल है, संभव। संत महात्मा के हृदय में कोई दोष नहीं रहता है, निर्दोष बदन्नो सूची अकिंचन बहुत सारे गुणावली है, लेकिन निर्दोष देके शुरुआत किया, आई बात समझ में, बहुत सारे गुणावली है। यहाँ तक कि कृष्ण भक्ते कृष्ण गुण सकली संचार, कृष्ण भक्तों का अंदर में कृष्ण का तमाम गुण का खजाना मिलता है, कृष्णों का गुण वो भक्तों का अंदर में आता है। निर्दोष बदान्नो सूची अकिंचन इत्यादि बहुत सारे गुण हैं, लेकिन शुरुआत हुआ है निर्दोष, अर्थात वैष्णव ठाकुर कभी अपवित्र नहीं होता, दोषदुष्ट नहीं होता, दोष स्पर्श नहीं कर सकता, दोष कभी स्पर्श नहीं करता। इसीलिए शास्त्र में लिखा हुआ है साधवो खीन दोषाश्च सत्शब्द साधुवाचक तेषाम आचरणम यस्तु सदाचारो सउच्यते। देखो सदाचार का डेफिनेशन दे दिया, साधवो खीनो दोषाश्च, संत महात्मा का अंदर में कोई दोष मिलना संभव नहीं है। संत महात्मा का अंदर में वास्तविक कोई संत महात्मा का अंदर में कोई दोष रहना संभव नहीं है। साधवो खीनो दोषाश्च सत्शब्द साधुवाचक, सत्शब्द साधुवाचक क्यों, जिसका अंदर में सत अर्थात नित्य भगवत धर्म का आचरण है वही साधु, सत मतलब नित्य उपस्थित, सत मतलब नित्य धर्म, सत मतलब भगवत धर्म, सत शब्द साधुवाचक, साधु मतलब जो सत धर्म पालन करते वही साधु है, सत शब्द साधुवाचक तेषाम आचरणम यस्तु सदाचारो शब्द। सदाचार किसको बोले जाता है, ना साधव खीन दोषाश्च सत शब्द साधुवाचक तेषाम आचरणम यस्तु सदाचारो सउच्यते, इसको ही सदाचार बोला जाता है। क्योंकि सदाचार के अलावा बिना सदाचार कोई भी अनुष्ठान करो कामयाबी नहीं मिलेगी, सदाचार के बिना कोई अनुष्ठान का कोई कीमत नहीं है। न किंचित कस्यचित सिद्धेद सदाचारम विना यथा, सदाचार का बिना कुछ नहीं सिद्ध होता है। न किंचित कस्यचित सिद्धेत सदाचारम विना यतः, इसलिए तस्मात् अवश्यम सर्वतो सदाचार ही अपेक्षते। सदाचार के अलावा कुछ चीज सिद्ध नहीं होता। न किंचित कस्यचित सिद्धेत सदाचारम बिना यतः तस्माद् अवश्यम सर्वत्र सदाचारो ही अपेक्षते, इसीलिए हर जगह सदाचार ही अवेटेड अपेक्षित है। और आचार आदर्श देखने का बाद पता चलता है साधु, क्योंकि आदर्श तो जर जगत का आदमी का भी हो सकता है, आदर्श है ना, क्या देशबंधु चित्तरंजन मातंगिनी हाजरा हैं, नेताजी सुभाष बोस, सब कोई है पॉलिटिकल लीडर, सब बहुत सारे ऐसा भी है, हैं किसी स्वामी जी हैं, भारत का पताका लहरा के आया है, ये सारे जो है हैं ये लोग अभी रह सकता है आचार आदर्श,
आचार ना आदर्श रहता है, आचार तो कुछ नहीं है लोगों का, तो ये आदर्श हमारा कोई काम का नहीं है, हमारा कोई काम का नहीं है आदर्श। आदर्श है सेवा आदर्श। हमारा भागवत धर्म में आदर्श अगर बोला जाए, हमारा आदर्श क्या है? आदर्श सेवा आदर्श। आदर्श का मतलब सेवा आदर्श। और जब जगत का आदमी का बहुत सारे आदर्श हो सकता है, लेकिन भजन का साथ इसका कोई ताल्लुका है नहीं, इसलिए कोई कीमत भी है नहीं। आचारो प्रभव धर्म संतोषाचार आचार लक्षण आचारो प्रभवो धर्म धर्मो धर्म मूलम ही विष्णु। ओके, धर्मो प्रतिष्ठित है आचार में। आचार का एक्सप्लेनेशन भी किया मैंने, धर्म क्या है अधर्म क्या है। आचार प्रभवो धर्म, अगर परफेक्ट आचरण है तो ही धर्म है। और बहुत सारे धर्म दिखाया लेकिन आचार नहीं है, मतलब भगवान को संतुष्ट विधान करने का कोई कुछ नहीं, तो ये धर्म नहीं है। इसीलिए भगवान बोले जे मेरा लिए मेरा खातिर, मेरा खातिर मेरा लिए कोई अगर कुछ भी करे बाहरी विचार में ये इलीगल है, स्टिल इट इज लीगल। मन निमित्तम कृतम पापम धर्माय कल्पते, मेरे लिए जो ये अगर कोई पाप भी करे ये बड़ा पुण्य कर्म में गिनती हो सकता। आचारो प्रभवो धर्म संतोषाचार लक्षण, संतो आचार लक्षण होता है, संतो महात्मा का आचार लक्षण होता है। मैंने ये सारे प्रमाण दिखाया, वास्तविक आचार्य वो है जो अपना जिंदगी में शास्त्रों का जो वाणी है, शास्त्रों का जो आदेश निर्देश है, अपना जिंदगी में पालन करके दिखाया है, आचरण में प्रतिष्ठित है और औरों का मंगल के लिए चेष्टान्वित है, हर वक्त चेष्टा करते हैं औरों का मंगल के लिए, इसी का नाम आचार्य है। जो अपने आप आचरण में प्रतिष्ठित है, जो अपने आप आचरण में प्रतिष्ठित है, एट द सेम टाइम जिसका अंदर में हिम्मत है, औरों का हृदय में ये आचरण अर्थात भक्ति का स्थापना करना हिम्मत है, यही वास्तविक इफेक्टिव आचार्य है। इसका नाम ही इफेक्टिव आचार्य है। मैंने चर्चा की हृदय का शुद्धता जरूरी है, अपना हृदय को शुद्ध बनाना बहुत जरूरी है। काम क्रोध लोभ मोह मदो माश्चर्य ये तमाम चीज जो है ये हमारा हृदय को दुर्गंध दूषित बना देता है, ये हमारा हृदय को दुर्गंध दूषित बना देता है। इसलिए हृदय को निर्मल बनाना है, और हृदय निर्मल बनाने का तरीका बताया महाप्रभु जी ने, गुंडीचा मंजन। गुंडीचा मंजन मतलब हृदय मंजन, जिसमें जगन्नाथ को बैठे का बैठने का जगह दे सकता। जहां जगन्नाथ को बैठने का जगह दे सकता, इसका नाम है गुंडीचा मंजन। और संकीर्तन के सहयोग ये गुंडीचा मंजन चल रहा है, और इसी हृदय में हरिभजन छोड़कर दूसरा कोई अन्नविलास रहना संभव नहीं है, दूसरों के लिए औरों के लिए माश्चर्य प्रकट करना उचित नहीं है, औरों के लिए हृदय में माश्चर्य प्रकट करना उचित नहीं है,
हिंसा विद्वेष बिल्कुल नहीं रहता है, हिंसा विद्वेष कभी भी रहना संभव नहीं है। हिंसा विद्वेष ये रहना संभव नहीं है। मैंने प्रमाण दिखाया श्रीमन महाप्रभु का, सनातन गोसाई को जो महाप्रभु जी ने उपदेश दिया है, महाप्रभु जी ने जो सनातन गोसाई को उपदेश दिया है इस उपदेश में महाप्रभु जी ने जो एक बताए कहानी बताए, इसमें एक हिंसुक व्याध, ये एक हिंसुक व्याध परिवर्तन हो गया, पूरा एकदम साधु बन गया। सर्वम भट्टाचार्य का बारे में बताते हुए हमने दिखाया, अमोग सर्वम भट्टाचार्य जो का जमात है, इन्होंने महाप्रभु का प्रसाद सेवन देख के ईसा आश्चर्य प्रकट किया, लेकिन महाप्रभु जी ने उनको कृपा किया। इसलिए लिखा है अपना आचरण के द्वारा शिक्षादान, जिसका नाम है वास्तविक प्रचार, और हृदय का अंदर में कोई दुर्गंध दूषित चीज ना रहे, शुद्धता प्रयम अर्थात गुंडीचा मंजन जरूरी है। ये जरूरी है, विशेष जरूरी है। अगर हृदय निर्मल ना हो जाए तो फिर हरि भजन करना संभव नहीं है, हरि भजन करना बिल्कुल संभव नहीं है। हृदय निर्मल बनाने से काम क्रोध लोभ मोह आश्चर्य सब हटाना पड़ता है। एक हरिनाम का उदय होना भी संभव नहीं है। अनर्थ रहते समय एक भी शुद्ध हरिनाम उच्चारित होना संभव नहीं है। प्रभुपाद कहते थे एक शुद्ध हरिनाम जिसका जबान में उतर गया, एक शुद्ध हरिनाम जिसका हृदय में प्रकटित हो गया, इनके हृदय में कभी भी काम आदि नहीं रह सकता, क्योंकि हरिनाम उदय होने का पहले ही ये सब हो गया, नहीं तो हरिनाम उदय होना संभव नहीं था। अनर्थ रहते समय संभव नहीं। मैंने ये बताया महाप्रभु जी ने कोई कुछ नहीं बोला सर्वोत्तज का जमात को, लेकिन वो मरने का चक्कर में है। अभी महाप्रभु जी ने कृपा करके इसका पास आया, जब सुना मरने का हालत हो गया तो आके बोला देखो सहज निर्मल यही ब्राह्मण हृदय, तुम तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण हृदय निर्मल रहता है, सहज निर्मल यही ब्राह्मण हृदय कृष्णेर वशीते ही यज्ञ स्थल है, कृष्ण बैठना चाहता है, इसका भी व्याख्या किया क्यों दूसरे का हृदय में कृष्ण कैन नॉट फील कंफर्टेबल, दूसरे के हृदय में कृष्ण कैन नॉट फील कंफर्टेबल वाई, क्योंकि इन लोगों के हृदय में कामना वासना रूप दुर्गंध दूषित चीज है। इसीलिए महाप्रभु जी ने अमोक को सामने रखकर हम लोगों को उपदेश की, सहज निर्मल ही ब्राह्मण हृदय कृष्णेर वशित ही यज्ञ स्थान है और माश्चर्य चंडाल कैनी यहाँ बसैला परम पवित्र स्थान अपवित्र कैला, ये सब चर्चा हो गया। प्रभु लगी
धर्म कर्म छारे भक्त गण धर्महानि प्रभुर नहाय सहम। संपूर्ण रूप में दोषों का परिहार जरूरी है। इसका उदाहरण देते हुए हमने बताया कैसे महाप्रभु सनातन गोसाई का जो भोट कंबल है इसको छुड़वाया और उस समय महाप्रभु जी ने उपदेश किया, एक सद्वैद्यो तमाम रोगों का इलाज करते समय एक बीमारी का इलाज नहीं छोड़ता है, मतलब कंप्लीट करता है। सेकने राखीबे तुम्हार शेष विषय भोग, रोगखंडी सद्वैद्य ना रखे शेष रोग। महाप्रभु जी ने बताया सनातन को, मैं हैरान होकर सोचते रह गए कि एक सद्वैद्यो तमाम बीमारी हटाया, वो क्यों एक बीमारी को छोड़ देगा? क्योंकि सद्वैद्यो कभी भी अगर किसी का इलाज करे तो तमाम इलाज कर देता है, एक बीमारी को छोड़कर नहीं करता। सनातन गोसाई को सामने रखकर महाप्रभु जी ने ये उपदेश की। अशुद्धा शरणागति निरपेक्ष, ये बड़ा जरूरी है। भक्तिमय ठाकुर जी ने भी बताया निरपेक्षता, सरलता, निरपेक्षता ये सब जरूरी है। सरलता, निरपेक्षता आदि ये सब बड़ा जरूरी गुण है। दृढ़ता, तीन मेन भक्तियों ठगुनी ने बताया, सरलता, निरपेक्षता और दृढ़ता। दृढ़ता माने एकदम फिक्स, आचरण में कोई एकदम पक्का। सरलता, दृढ़ता, निरपेक्षता तीन गुण हैं। निरपेक्ष नहीं ले धर्मो ना जाए रक्षणी, निरपेक्ष नहीं होने से अपना धर्म का रक्षा करना संभव नहीं होता। शुद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहिले सर्वकर्म कृत है। शुद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय और कृष्ण भक्ति कहिले सर्वकर्म कृत है। और जब भी कोई व्यक्ति कृष्ण के चरण में शरणागत हो जाता है तो सारे समस्या समाधान। शरण लोया करे कृष्ण आत्मसमर्पण, शरण लोया करे कृष्ण आत्मसमर्पण, कृष्ण तरे करे तत्काले आत्मसम। शरणागत होने के साथ साथ सारे समस्या का समाधान कर देता है। शरण लइया करे कृष्णे आत्मसमर्पण, कृष्ण तारे करे तत्काले आत्मसम, अपना मुताबिक कर देता है। जब आत्मसमर्पण करता है, भगवान बोल रहे हैं केवल छोटे मोटे विषय लेकर लड़ाई झगड़ा उचित नहीं है। परमार्थ विचार गेलो कोरी मात्र बाद कहाँ मुई पावो, कहाँ कृष्ण प्रसाद, कहाँ कृष्ण का प्रसाद है, कहाँ झगड़ा है, लपक झपक कर रहे हैं सब। कहाँ कृष्ण, कहाँ कृष्ण भजन करने के लिए आए हुए हैं और कहाँ ये सब दुर्गंध दूषित लाभ पूजा प्रतिष्ठा का लड़ाई है। हाय राम, हर वक्त निरपेक्ष रहना उचित है, क्योंकि निरपेक्ष रहना उचित क्यों,
बचे निरपेक्ष नहीं ले धर्म ना जाए रक्षण ही। निरपेक्ष नहीं होने से, निरपेक्ष नहीं होने से धर्म रक्षा करना संभव नहीं है। निरपेक्ष नहीं ले धर्म ना जाए रक्षण ही। मैंने ये भी बताया, किसी संत महात्मा का अपमान अगर हुआ, महान तो बड़ा साधु का, जिस देश व गांव में होता है, इंटीरियर प्लेस, पूरा इलाका, उसका आजू बाजू में जितना ग्राम है सब उजाड़ जाता है, उजाड़। महंतेर अपमान जे देश ग्राम में होए, महंतेर अपमान, महंतेर अपमान जे देश ग्राम में होए, একজনার দোষে সব গ্রাম উজাড় হয়। মহন্ত কা অপমান যা হতা হ্যাঁ ওয়া আজু বাজু মে জিতনা গাঁও হ্যাঁ সব উজাড় যাতা হ্যাঁ। জেসে মানে বতায়া থা শ্রীমন নিত্যানন্দ বলরাম জি গয়া एक गांव में, जहाँ रामचंद्र खान बदमाश जो हरिदास ठाकुर को भी बदनामी करना चाहा, उन्होंने नित्यानंद बाबू को अपमान किया, नित्यानंद बाबू को अपमान किया। और इसके बाद क्या हुआ, सारे विधर्मियों ने आया, अपना घर को लूटा, गोश बना के खाया, गोश खाया, इज्जत लिया, सारे परिवार खानदान उजड़ गया, आजू बाजू में जितना गांव है सब उजड़ गया। इसलिए संत महात्मा का अपमान मत करें, आप जानते नहीं हो, पूरा उजड़ जाएगा। महान तेर अपमान जे देश ग्राम में होए, एक जोनार दोषे सब ग्राम, दोष किया एक आदमी बाकी सब उजड़ जाएगा। मैंने एक उदाहरण भी दिया, जे कृष्णदास कोविराज गोस्वामी जी का भैया पूर्वाश्रम झमाटपुकुर, झमाटपुर बर्धमान, कृष्णदास कोविराज गोस्वामी का पूर्वाश्रम का भाई, जब मिन के दम रामदास जी ने आया है, पुजारी गुणर्णम मिश्रो और इन्होंने कुछ सम्मान नहीं दिखाया, अतः कृष्णदास कविराज गोस्वामी का भैया पूर्वाश्रम का, इसीलिए मिनकदम नानदास अल्टीमेटली अपना वंशी को तोड़कर चले गए, जहां नित्यानंद का सम्मान नहीं है, बलराम का, वहां बड़ा दुखी होकर चले गए। बड़ा दुखी होकर पूरा गांव उजड़ गया, पूरा गांव जहां अपमान होता है। और आचार और प्रचार वैष्णव का अंदर में दोनों ऐसे ही रहता है, ऐसे ही रहता है, जैसे गौरकिशोर दरबाजी में, बाहरी विचार में गौरकिशोर बाबा जी महाराज फॉरेन कंट्री में नहीं गया, लेकिन बाबा जी महाराज का आदर्श चला गया, शिक्षा आदर्श सब कुछ चला गया, ये तो जाना ही था, आचरण का प्रभाव है। और आचरण रहता है तो प्रचार करने की हिम्मत है, प्रचार होगा ही होगा। अगर आप बोलो कि गौरकिशोर बाजी में कहाँ प्रचार करने के लिए गया, आप समझाई नहीं, आप समझाई नहीं। गौरकिशोर बाबाजी महाराज इज द टॉप मोस्ट प्रीचर इन द होल यूनिवर्स, बिकॉज इज आइडियलिज्म इज एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। गौरकिशोर बाबाजी महाराज को किसी जगह जाने का जरूरत है नहीं, क्योंकि गौरकिशोर बाबाजी महाराज गौरंग महाप्रभु का जो दिखाया गया शिक्षा है, आदर्श है, इसमें सुप्रतिष्ठित है। यही प्रचारक का डेफिनेशन, हु इज हिमसेल्फ एस्टाब्लिश्ड इन द
teachings of Chaitanya Mahaprabhu, he is the topmost preacher. Gaur Kishore Babaji Maharaj bahari drishti mein videsh nahi kiya, lekin iska acharan hi prachar hai. और हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी दोनों का बीच में जो चर्चा हुआ, इस चर्चा में ये निकल आया कि हरिदास ठाकुर को हमारा सनातन गोस्वामी बताया, नामाचार्य हरिदास ठाकुर को बताया जे आचार और प्रचार दोनों ही आपका अंदर में है, आपका अंदर में तो दोनों ही हैं, आचार प्रचार नामेर करो द्विकार जो तुम्हें सर्वगुरु तुम्हें जगतेर आर्य, आचार प्रचार दोनों एक साथ चलना चाहिए। और वैष्णव का शरीर अप्राकृत होता है, वैष्णव का शरीर अप्राकृत होता है, प्राकृत नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए श्रीमद् महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को आलिंगन किया, जबकि सनातन गोस्वामी पाद जी का शरीर में खुजली पूरा एकदम तमाम शरीर स्किन डिजीज दिखाई पड़ा, महाप्रभु जी ने फिर भी आलिंगन किया और हम लोग को सिखाया, प्रभु कहे वैष्णव शरीर प्राकृत को बुना है, प्राकृत नहीं है। सो हरिदास शिला हरिदास ठाकुर का आचरण प्रचार नाम करते रहते हैं, सनातन गोस्वामी जी बताए आचार आचार प्रचार नामेर करो द्विकार जो, आप दोनों ही करते हो, आचरण आप प्रचार दोनों, आचार प्रचार नामेर करो द्विकार जो तुम्हें सर्वगुरु तुम्हें जगतेर आर्य। मैंने इस बात को अंग्रेजी कथा में बताया, कोई अगर गुरु का काम करे वैष्णव संप्रदाय में ये जरूर नामाचार्य है, ये मैंने बार बार बताया, कोई व्यक्ति अगर नाम में प्रतिष्ठित नहीं है वो जितना भी फेमस हो वो आचार्य नहीं है वास्तविक अर्थ में। आचार्य मीन नामाचार्य, आचार्य जो है अगर कोई अगर आचार्य जो है तो जरूर वे नामाचार्य जो है नाम आचार्य, ले फिर भी हम लोग ये जो टाइटल है हरिदास ठाकुर के लिए रिजर्व रखा है, इसीलिए हम लोग नहीं किसी व्यक्ति नहीं लेगा, चाहे रघुनाथ दास गोसाई सनातन रूप कोई नहीं लिया एक, लेकिन आचार्य जो है तो नामाचार्य जरूरी, नामाचार्य जो होने से ही हरिदास है ऐसा नहीं, आप समझा नहीं, नामाचार्य जो होने से ही वो उसको हरिदास ऐसा नहीं, लेकिन नाम में सुप्रतिष्ठित होने से नाम आचार्य होने से ही किसी व्यक्ति का किसी भक्तों के हृदय में शक्ति संचारित होता है तभी वो आचार्यों का काम कर सकता है। आचार प्रचार नामेर करो द्विकार जो तुम्हें सर्वगुरु तुम्हें जगतेर आर्य, तुम सर्वगुरु हो तुम जगत का आर्य हो, आचार प्रचार नाम का दो कर्म तुम कर रहे हो तुम सर्वगुरु। मर्यादा पालन का विषय में मतलब वैष्णवों का कैसा सम्मान करना है इसका बारे में महाप्रभु जी ने सिखाया, महाप्रभु जी ने बताया तथापि भक्त स्वाद मर्यादा रक्षण, कोई व्यक्ति अगर किसी तथाकथित साधु किसी का अपमान करे मर्यादा लंघन करे तो ये साधु है ही नहीं, लेकिन सांप्रदायिक डिग्निटी सांप्रदायिक सम्मान इज्जत गुरुवर्ग का सम्मान स्थापन करना यही भक्ति है, ये ना करे तो इसका पतन हो सकता है। शुद्ध गुरु वैष्णव संप्रदाय का अपमान में नीरव रहना
पतन का कारण बन जाता है, नीरव रहना ये पतन का कारण बन जाता है। तो महाप्रभु जी ने बताया तथापि भक्त शबाद मर्यादा रक्षण मर्यादा पालन है साधुर्भूषण। उसका बाद महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी पाद जी का जो शरीर में खुजली हुई महाप्रभु जी आलिंगन करके दिखाया एवं बताया प्रभु को हे वैष्णव देहो प्राकृत को गुण है। प्रभु ने बताया वैष्णव शरीर कभी प्राकृत नहीं है, अप्राकृत देहो भक्तेर चिदानंदम है। बाहरी विचार में देखने में स्किन डिजीज है फलाना है, लेकिन असली बात ये नहीं है, असली बात ये नहीं है, ये पवित्र है। प्रतिष्ठा आशा वर्जन का बारे में शिला सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर जी ने एक आर्टिकल भी सुंदर बहुत सारे प्रवचन की किया है। बार बार ये सब समझाने का कोशिश किया है भक्ति ठाकुर, लाभ पूजा प्रतिष्ठा शुकोरी विष्ठा प्रभुपाद जी ने लिखा भी है। इसलिए प्राकृत अप्राकृत विषय के बारे में ज्ञान नहीं, और जो भजन करे हर कोई के लिए विषय में डूबे रहना उचित नहीं है। हर आदमी का विषय में डूबे रहना उचित नहीं है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। प्रतिष्ठा आशा वर्जन करना चाहिए, हमको लोग सम्मान दे, आरती उतारे, माला पहनाए, ये सब इच्छा ना रहे, ग्राम्य कथा ना कहे, ग्राम्य वार्ता ग्राम्य कथा ना कहे, और ये तमाम दोषों को परिहार करके हरिभजन करना उचित है, उचित है। निश्चिंत होके महाप्रभु जी ने यह बात को उठाया, निश्चिंत, निश्चिंत माने विदाउट एनी टेंशन। अरे महाप्रभु का कोई टेंशन है? टेंशन है नहीं, फिर भी महाप्रभु जी ने बताया निश्चिंत। निश्चिंत मतलब विषय का एक बूंद भी जलन ना रहे, इसका नाम है निश्चिंत। टू गेट फ्री ऑफ मैटर इज कॉल्ड एक्चुअल पोजिशन। आर कवे निताय चादेर करुणा हईबे, ध्यान दे इस कीर्तन पर। आर कवे निताय चादेर करुणा हईबे, विषय वासना मोर कवे तुच्छ हवे, कवि हाम हेरबो श्री वृंदावन। आर कवे निताय चादेर करुणा हईबे, विषय वासना मोर कवि दुच्छर, विषय छाड़िया कवि शुद्ध हवे मोन, कवि हम हेरबो से वृंदावन। ये सारे बताया प्रभु को, ऐसा महाप्रभु जी ने बताया निश्चिंत होकर। सनातन गोस्वामी जी ध्यान दे, भक्तिम ठाकुर ने इस पर सुंदर चर्चा की, जो लोग हरि भजन करना चाहे वो लोग विषय से दफा रहे, प्रतिष्ठा आशा वर्जन करे, ग्राम्य कथा परित्याग करे, करके निश्चिंत होकर हरि सेवा करे, नहीं तो हरि सेवा होना संभव नहीं है, नहीं तो हरि सेवा होना संभव नहीं है, कर नहीं सकता। इस बात का एक उदाहरण दे दे, याद है श्रील सनातन गोसाई पाद को जेल खाने में डाल दिया राजा ने, हुसैन शाह, क्यों, क्या कसूर है? कुछ कसूर नहीं है। वो बोला तुम प्राइम मिनिस्टर का काम किसी से करवा लो, प्रधानमंत्री का काम किसी से करवा लो, हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ, क्या बता रहे हो,
क्यों नहीं हो पाएगा? हमारा तबीयत तो ठीक है। सनातन गोस्वामी जी भी हरि भजन के लिए ऐसा बताया राजा को, तबीयत ठीक नहीं है। राजा ने वैद्य भेजा जाके देखा, नरे हमने देखा अच्छा तबीयत है, 18 कोरी ब्राह्मणों को लेकर वैष्णवों को लेकर भगवत चर्चा कर रहे। सनातन गोस्वामी जी भी कृष्ण सेवा के लिए ऐसा बताए, मेरे से नहीं होगा, तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं क्यों? हमारा जितना समय राजपाट सब है तुमको लेकर, तुम्हारा इशारा से चलता है और तुम बोल रहे हो हमारा तभी हमसे नहीं होगा, हो पाएगा कर लो, किसी से करवा लो। इसीलिए गुस्सा होके सनातन गोस्वामी की जेल खाने में डाल दिया ना। रूप गोस्वामी पास चला गया था वृंदावन, लेकिन फिर वापस आना पड़ा। क्यों? निश्चिंत कैसे हो जाए, इतना जमीन जायदाद सोने का सिक्का बहुत आहा, ये सारे समाधान करने के लिए सनातन रूप गोस्वामी पाद फिर वापस आया, आके बंटवारा कर दिया, ब्राह्मण वैष्णव मंदिर है हर जगह बंटवारा करके एकदम निष्किंचन तो पहले से ही है, फिर भी अभी विषय से छुटकारा पाकर फिर वृंदावन गया। आई बात समझ में? जितना सारे विषय का बात है, बहुत सारे संपत्ति इसको डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करके फिर वृंदावन में आ गया, बस हो गया। सनातन गोस्वामी पाद का उदाहरण दे दे, देखो जब बिहार पार करके महाप्रभु को जाना था, महाप्रभु जाना था वाराणसी होके वृंदावन, इस समय श्रील गोसाई जी सनातन गोसाई के संग में एक नौकर था। एक पर्वत पड़ता है, पर्वत हिली प्लेस, इसको पार करना जरूरी है तो जा सकता है। किसी गुंडा ने सनातन गोसाई का पास जो पैसा है ये पहले से ही समझ गया और मार के पैसा लेना था, लेकिन सनातन गोस्वामी बहुत बुद्धिमान है। नौकर को पूछा, तुम्हारे पास कुछ है? बोले हाँ, 8 सोने का सिक्का है, जाओ दे दो, जल्दी दे दो, हम निश्चिंत होके जाएंगे। एक सोने का सिक्का का पीछे जान चला जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। एक सोने का सिक्का का पीछे किसको लड़ाई करते देखा? बहुत सारे कहानी। एक सोने का सिक्का का पीछे जिंदगी बर्बाद हो गया, एक लड़की का पीछे जिंदगी बर्बाद हो गया, बहुत हो सकता है। तो इसलिए हुआ, सनातन गोसाई बोला सारे पैसा दे दो, देव देखे। फिर वहाँ का जो डाकू है वो बोला, पहले से हमको मालूम था आज आपको मार के ये पैसा लेना था, अच्छा हुआ आपने दे, हमको नहीं चाहिए आप दे दोगे? ना ना, हमको तो कोई मार के ले लेगा ना, आप नहीं लो, कृपा करके ले लो। आप अगर नहीं लोगे कि किसी ने मार के ले लेगा तो आप ले लो, दे दिया। इसका बाद नौकर को पूछा, ऐ तेरे पास और कुछ है, और कुछ सहारा है? बोला हाँ, एक दो सोने का। बल भाग यहां से। महाप्रभु जी ने यहां तक बताया, तमलुक मिन्नापुर का एक जगह है तमलुक, वहां होते हुए महाप्रभु पूरी जा रहा था उड़ीसा। एक भक्तों सा उनको प्रसाद पाने का बोला, ये थोड़ा हर्तुक थोड़ा मुखशुद्धि है? बोला हाँ, दे दिया मुखशुद्धि। किसी जगह से एक लाया हर्तुकी, हर्तुकी जानते हो ना, हर्तुकी। हाँ, इसका बाद नेक्स्ट डे महाप्रभु प्रसाद पाने के बोले, मुखशुद्धि है? बोले हाँ, दे दे। अरे कहाँ से आया? बोले हमने कालका रखा था, तुम भागो यहाँ से। बोले कैसे भागे? आराम ना जाओ, तुम विषयी हो, कालका रखा है, कृष्णों का गार जो त्यागी है वो भगवान का ऊपर भरोसा रखता है। हाथ पूरा खाली हो गया,
फिर भी विश्वास है भगवान कर देगा सब। हैं, मैं जो साधु नहीं बना, मेरा जिंदगी में ऐसा हुआ, मैंने सारे कितवा छपा के कुछ नहीं है। मेरा साथ जो एक बंदा रहता था दुर्गापुर में, एक फंक्शन हरिकथा बोलकर हमने बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गया, पैसा नहीं है, और किताब छपाया, किताब छपाने का पैसा है लेकिन ट्रेन भाड़ा का पैसा नहीं है। फिर उठा और जिनको छोड़ दिया उसका पास 10 रुपया है, हमने बोला गुरुजी का कृपा से तेरे को खाना मिलेगा, कोई चिंता मत कर, तू जा 10 रुपया है। मैं बिना भाड़ा चला गया वृंदावन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फिर भी कोई अभाव नहीं है, भगवान सारे कर दिया, ये बड़ा चमत्कार है, विश्वास है मेरा। तो इसीलिए निश्चिंत होना जरूरी है। अगर हमारा दिल में हर वक्त टेंशन बने रहे कि कहाँ से अब कुछ नहीं है, कहाँ से आएगा सब, कैसे खाना पीना, कंबल नहीं है, ओढ़ने का कुछ नहीं है, वो बिछाने का कुछ नहीं है, खाना पीना नहीं, कहा एक कहानी याद हो गया गुरुजी का बारे में, कालना में गुरुजी का जो महोत्सव किया राधाश्रमी में, हमारा भक्ति विज्ञान भारती महाराज उस जमाने में नरोत्तम ब्रह्मचारी, उन्हें रसोई करने का जुमा लिया, पूरा रसोई करने का, वो बहुत सारे माधव को सेवा भक्त हो सब आया है, बड़ा भंडारा बहुत सब। जब 8 बज गया गुरुजी अंदर में भजन कर रहा है, हरे कृष्ण कर रहा है और माधुकुश हमारा भारती महाराज जी गुरुजी का पास गया, प्रणाम किया, बोले महाराज आपका इतना आदमी प्रसाद पाएगा, आपका कोई व्यवस्था है नहीं, क्या मानिएगा, क्या रसोई करे, कुछ नहीं है। गुरुजी बोले आ जाएगा सबर करो। अरे कुछ नहीं है ना, तो दूध है, चाल है, चीनी है, बर्तन भी नहीं है, कुछ नहीं है, सारे आ गया। यहां तक भारती महाराज ने बोला हमने जिंदगी में ऐसा भंडारा देखा ही नहीं। जो जयकारा हुआ, इतना बड़ा जयकारा, सब खुशी से झूम पड़े, क्योंकि खुशी भोजन से होता नहीं, खुशी भक्ति से होता है। भक्ति पूरी के शेम में इसका अंदर का जो भक्ति है सारे फैल गया, बड़ा आश्चर्य की विषय है। निश्चिंत होना, गुरु जी निश्चिंत है, सब आ जाएगा सबर कर। भारती महाराज कह रहे हैं कि चमत्कार है, 8 बज गया उसका बाद ये जो चेटी है, चेटी का वहां पे लाइन लगा कर सब आना, कोई टाल ले आ रहा है, कोई चाल ले आ रहा है, कोई सब्जी ले रहा है, कोई दूध ले रहा है, कोई चीनी ले रहा है, सब ले रहा है, लाइन। इतना आया, भारती महाराज बोले इतना आया कि महाराज जी 2 महीना 6 महीना खर्चा करे तो आ नहीं जा नहीं सकता, कच्चा सामान नहीं है, जो चावल डाल है ऐसा, भले 6 मास 8 महीना अगर खर्चा करे भंडारा का बाद जो शेष रह गया खर्चा करने का हिम्मत नहीं है। ये है ठाकुर जी का कमाल है। इसीलिए भागवत जी महापुराण में भी एक है, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कस्माद भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान, भगवान कृपा करके सब भेज देता है। जो भी है ये निश्चिंत होना बड़ा जरूरी है। निश्चिंत होना बड़ा जरूरी है। निश्चिंत नहीं होने से होगा नहीं, भजन होता नहीं। अगर हमारा दिल में बेचैनी है, जैसे वो त्रिपुरा का आक्रमण किया याद है ना, गौशाला को दखल लेने के लिए खामा खा है, कितना अत्याचार, फिर कोई टेंशन नहीं है, हरी कथा बोलते रहे, कोई चिंता नहीं है, वो कौन होता है, क्या कर सकता है, चाहे 1000 गुंडा आए कुछ करे क्या कर सकता है।
कितना भी पैसा है कुछ कर नहीं सकेगा ना, भगवान है। तो ये अगर हमारा अंदर में निश्चिंत भाव नहीं है तो कैसे हरि कथा बोलना संभव है? संभव है? कभी कभी संभव नहीं। तो इसलिए विषयों का विषय में, विषयों का विषय में जो जलन है इससे दूरी रहना जरूरी है। महाप्रभु जी ने श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जो पिता जेठा है इनके बारे में बताया, रघुनाथेर पिता जेठा विषयीर वैष्णवीर प्राय। रघुनाथ का पिता जेठा है ये वैष्णव नहीं है, वैष्णव का मापिक लाइक वैष्णव, वैष्णव प्राय बापू जी ने बताया। विषय विष्ठार कीड़ा महापू जी ने खुद बताया, विषय नामक जो विष्ठा है, विषय नामक जो विष्ठा है टट्टी पेशाब। ऑफकोर्स कृष्ण का जो विषय है टट्टी पेशाब नहीं है गलत ना समझे, बाकी जो विषय है ये टट्टी पेशाब का बराबर है। महाप्रभु जी ने बताए रघुनाथेर पिता जेठा वैष्णवेर प्राय, और ये तक बताया कि विषय विस्तार कीड़ा, विषय नामक जो विष्ठा है इसके कीड़े मकोड़े का माफी, ये विषय सुख को अच्छा मानता है। विषयों में जो एक मेटेरियल आनंद है विषय में, इन्हीं को ही, ये सब विषय को ही ज्यादा मानता है और आनंद इनके द्वारा आनंद मिलता है। विषय विस्तार कीड़ा, विषय को सुख करी माने, विषय का जो जलन है इसी को ही वो लोग अच्छा मानता है, इसी को ही अच्छा मानता है। और निश्चित नहीं होने से हरिभजन होना संभव नहीं है, पहला ये बात। और निश्चिंत मतलब जरूर विषय का बाहर है, विषय भाव और निश्चिंत भाव एक साथ नहीं रह सकता, क्योंकि हर आदमी अम्बरीश महाराज नहीं है, हर आदमी युधिष्ठिर महाराज नहीं है, हर आदमी है आपका जनक महाराज नहीं है, हर आदमी नहीं है, इसलिए विषय का बाहर जाना जरूरी है। और ग्राम्य कथा में अगर रुचि रखने वाले, ग्राम्य कथा में रुचि रखने वाले कान खोलकर सुन ले, ग्राम्य कथा में रुचि रखने वाले व्यक्ति कान खोलकर सुन ले, महाप्रभु जी ने जरा सा भी विषय को अमल नहीं दिया, छोड़ दिया। मेटेरियल टॉकिंग्स, मेटेरियल काव्य, जड़ काव्य, उपन्यास, किसी जड़ संगीत है, मैंने देखा है वैष्णव है लेकिन गाना सुन रहा है मेटेरियल गाना, ये कैसे वैष्णव है? और गुरु अवज्ञा बिल्कुल उचित नहीं है, विद्या गर्व, विद्या धन दौलत का गर्व सारे निषिद्ध है, सख्त माना है। जैसे कुंती देवी ने बताया, कुंती देवी ने बताई जन्म ईश्वर जो श्रुतो सी भी रेध मान मत अपमानो नहीं वो अर्हति अभिदातुम वही तम अकिंचन गोचरम, भगवान तुम अकिंचन साधुओं का गोचरीभूत होता, दर्शन का विषय होते हो, बाकी किसी का नहीं, क्योंकि जन्म ऊंचा खानदान में जन्मो जन्मो ऐश्वर्य सूतो सीवी रेद मान मद अपमान, मद पैदा हो जाता, अभिमान पैदा हो जाता, और ये लोग भगवान का पास जा नहीं सकता कभी।
विद्या गर्वो, धन दौलत का गर्वो, अपना प्रभाव प्रतिपत्ति का गर्वो, ये उचित नहीं है। और गुरु अगर उपेक्षा करे तो गुरु का उपेक्षा के कारण भगवान भी उपेक्षा कर देता है। तुम्हें उपेक्षिले नाद की हो गोती हरि हे दयालो मोरो है, ये जो कीर्तन है नरोत्तम ठाकुर का, बहुत सुंदर कीर्तन, जय राधा नाथ है, ये सुंदर कीर्तन है इसमें। तो इसलिए गुरु अगर उपेक्षा करे तो ये भगवान भी उपेक्षा करते, जैसे रामचंद्रपुरी का, रामचंद्रपुरी सब वैष्णवों का निंदन की, भोजन करवा के बोलता है तुम इतना खाते हो, अरे आपने ही तो दिया जोर जबरदस्ती, और जोर जबरदस्ती खिलाते हैं, उसके बाद तुम त्यागी हो, तुम्हारा पास कितना पैसा है इतना खाते हो, अरे आपने तो जोर जबरदस्ती दिया। बाद में ये अपराध करते करते साक्षात परात्पर अखिलेश्वर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का भी दोष देख लिया, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का भी दोष पकड़ लिया, भले तुमने सन्यासी हो इतना लालची हो कि घर में मिठाई खाया, गुड़ खाया, नहीं तो चेटी कैसे आ गया इधर, ऐसा करके निंदन किया, ऐसा करके निंदन कर दिया, महाप्रभु जी ने कुछ बोला ही नहीं। तो ये महाप्रभु परात्पर अखिलेश्वर भगवान का भी दोष पकड़ा, इतना लालची है तुम्हारा, ये इतना मिठाई खाए होगे, हैं मिठाई खाया होगा रात को, तब फिर चेटी कैसे आ गया, अरे चेटी तो ऐसा, चेटी तो रहते ही है इधर उधर, इसमें कोई बड़ा बात है, लेकिन दोष पकड़ लिया महाप्रभु का। जैसे देखो दक्ष प्रजापति वैष्णवानाम यथा संभूर, भगवान का दो है, शंकर भगवान का दोष पकड़ लिया, पकड़ लिया ना, भगवान का दोष पकड़ लिया शंकर भगवान का, और कहाँ पहुंच गया देखो नरक में। वैष्णव निंदुक, गुरु उपेक्षा कोइले ओइछे फल होय, गुरुजी ने उपेक्षा किया, रामचंद्रपुरी का गुरुजी अथवा माधवेंद्रपुरी पास इनको उपेक्षा की, क्यों, गुरुजी को उपदेश किया, गुरुजी को उपदेश किया, अरे आप पूर्ण ब्रह्म हो, वो ब्रह्म हो, आप रो रहे हो क्यों, हैं ये क्या बात है, और माधवेंद्रपुरी पास बड़ा गुस्से में आकर बोल दिया, अरे भाग यहां से, तेरा सकल देखने से मेरा मंगल हो जाएगा, भाग यहां से, मैं कृष्ण मिला नहीं, मैं रो रहा हूं, ये मूर्ख मेरे को ब्रह्म को उपदेश देने आया है, भाग यहां से, तेरे सकल देखने से मेरा अमंगल हो जाए, भाग यहां से, भगा दिया। तो गुरु उपेक्षा किया तो चैतन्य महाप्रभु को दोष पकड़ लिया। हाँ, और ग्राम्य काव्य कविता आदि महाप्रभु जी ने एक शब्दों में बता दिया, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना बोलिबे, भालो ना खाइबे भालो। ग्राम्य कथा का अंदर में ग्राम्य सॉन्ग भी हो सकता है, काव्य हो सकता है, मेटेरियल काव्य। याद है चैतन्य चैतन्यमृतम में एक कहानी है, एक घटना है, रामदास विप्रो बोल के एक है, ये मुमुक्षु है, अंदर में भक्ति का कुछ नहीं है इसका अंदर में, और मैं विद्वान हूं, मैं विद्वान हूं ऐसा गर्व है, अहंकार है। महाप्रभु जी ने ज्यादा कुछ बोला नहीं, महाप्रभु समझ गया इसका अंदर में अभिमान है। रामदास यदि प्रथम प्रभु रे मिलिला, महाप्रभु अधिक तारे कृपा न कहिला, अंतरे मुमुक्षुते हो विद्या गर्ववान। जाइयो दैन्य महसूस करना जरूरी है, किसने, क्योंकि वैष्णव
का रास्ते में वैष्णव का जो है वैष्णवता है अर्थात भगवत धर्मो जो है भगवत धर्मों के रास्ते में दैन्यो एक स्वाभाविक चीज है। दैन्यो स्वाभाविक है, दैन्यो ना रहे तो सब बेकार है। दैन्यो ना रहे तो सारे दैन्यो होना जरूरी है। होइलो सर्वगुणे गुणी महाशय है ना, भक्ति ठाकुर जी देखा जय भजन रहस्य में होइलो सर्वगुणे गुणी महाशय प्रतिष्ठा सत्याजी करो अमानी हृदय है ना। हाँ, अपना बहुत ऊंचा, जैसे सनातन गोस्वामी भरद्राज गोत्रीय ब्राह्मण है, इतना ऊंचा है फिर भी अपने को मंदाम कुछ भी नहीं है। जैसे कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कितना दैन्य है। तो दैन्य जरूरी है, बिना दैन्य भजन का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। महाप्रभु जी ने कितना बताया, न प्रेम गंधोस्ति दरापि में हरऊ तथापि कंदामी सौभग्य भरम प्रकाशितम जद वंशी विलासन अनुलोकनम बिना विभर्मी प्राण पतंग कान वृथा। ये किसने बताया, महाप्रभु बताया ना, हमारा जरा सा भी प्रेम का गंध तक नहीं है, जरा सा प्रेम का गंध तक नहीं है मेरा, ऐसा मैं नीचा हूं। सनातन गोसाई ऐसा बोल, महाप्रभु जी ने ऐसा बोला, सनातन गोसाई बोला, कृष्णदास कबीरदास गोसाई पूरी शेर की चैत मुझ जगाई मादाई होते मुई से पाविष्ट पूरी शेर की चैत मुई से लघिष्ठ मोर नाम जय लय ता पुण्य कम मोर नाम जय सुने तार पुण्य कम मोर नाम जय लय तार पाप है, ऐसा बताया। रूप गोसाई बाजी ने प्रवर्तित हम बराक रूप ओपी, ये क्या है, ये तो दैन्य है ना, कितना ऊंचा है रूप गोस्वामी पाद। हा भगवान, ये दैन्य जरूरी है। दैन्य अगर किसी का अंदर में नहीं है मतलब अपना अयोग्यता का महसूस करना, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं बेकार हूं, मैं कोई नालायक हूं, इसका अनुभव करना ही दैन्य है। दैन्य मतलब ये नहीं कि धीरे धीरे दो चार शब्द बोला महाराज धन्यवाद, ये कपट है। प्रभुपाद जी कहते थे ये लोग कपट है, प्रभुपाद जी बांग्ला में कहते थे आंकू पाकू भाव, प्रभुपाद कहते थे कुछ आंकू पाकू भाव मतलब ऐसा वैसा, ये भाव कोई वैष्णवता नहीं है, आंकू पाकू भाव प्रभुपाद कहते थे। हाँ कृपा कीजिए कृपा कीजिए, आपको दंडवत है आपका चरण, सब बेकार है, कपट, सब कपट, कपट राम है ये सब। तो ये जैसे दिग्विजयी पंडित सनातन रूप गोस्वामी के पास पहुंचे और बोले हमारा साथ प्रतियोगिता में उतारो, नहीं तो लिख दो, जय पराजय का निष्पत्ति हो नहीं सकता जब तक आप नहीं लिखोगे और हमारा साथ बैठोगे नहीं, चर्चा करो, शास्त्रो चर्चा, शास्त्रार्थों का विचार हो जाए। सनातन रूप जी ने बोला आप लिख दिया जाओ, आप जाइए, हम लोग पराजित है, क्योंकि वो लोग जानता है कि तर्क करने जाए तो हमारा भक्ति नाश होगी, तर्क उठाने जाए तो हमारा भक्ति नाश होगी, इससे अच्छा उसको दे दो, जाओ जाओ जाओ। लेकिन जीव गोस्वामी पाद के पास फिर आया, बोला सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी सब हमको जय पत्र लिख दिया, आप भी लिख दो, नहीं तो हमारा साथ संग्राम में उतारो। कौन सी संग्राम, शास्त्र संग्राम। जीव गोस्वामी बोला अरे हराम घोर है, मेरा सनातन रूप गोस्वामी के पराजय है,
जयपत तो दे दिया, क्या दिखा, ठीक है बैठ इधर बैठ, उसको नंगा करके छोड़ दिया, जा भाग यहां से। सनातन रूप गोसाई के लिए ये दैन्य था। अब समझा नहीं मेरा बात, सिद्धांत विचार। फॉर सनातन रूप गोसाई दैट वॉज देयर दैन्य, और जीव गोसाई पाद का फिटिंग आंसर देना ये है दैन्य। आप समझा नहीं मेरा बात। रूप सनातन जो दैन्य करके लिख दिया, ले जा ले जा, आप हम लोग पराजित है, ये इसका लिए दैन्य है। और जीव गोसाई पाद के लिए दैन्य क्या है, इसका जवाब देना, जीवा खींचकर, जवान खींचकर बाहर लाना, उसको नंगा बनाना, यह है तीनादपि। आपने समझा नहीं। इट इज दिस प्रभुपाद कहते थे, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ त्रिनादपि, सम इट इज वन काइंड ऑफ स्पेशल एक्सप्रेशन ऑफ त्रिनादपि। त्रिनादपि भाव का एक स्पेशल एक्सप्रेशन है। जब वृंदावन दास ठाकुर ने बोला, इतना समझाने का बाद, इतना विचार देने का बाद, फिर भी अगर आप लोग नहीं मान रहे हो कि नित्यानंद बलराम सब कुछ है, तो एतो परिहारो जे पापी निंदा करे, एतो परिहारो जे पापी निंदा करे, तबे लाथी मारुता शरीर उपरे। इतना समझाने के बाद भी कोई ना समझे तो मैं अपना उन लोगों का माथे पे लाथी लगाऊं, ये इसका लिए दैन्य है। तो जो आपका लिए, आप समझा नहीं, जो आपका लिए बिल्कुल दैन्य नहीं है, अभिमान है, जो आपका लिए, आप अगर काल नकली करने जाओ, आप अगर नकली करने जाओ वृंदावन दास ठाकुर महाशय का, या तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का, तो आपका लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन जो जीव गोस्वामी पाद का लिए त्रिनाद भी है, वो आप अगर नकली करने जाओ तो आपका लिए भारी पड़ जाएगा, भयंकर परिस्थिति हो जाएगा। तो जीव गोस्वामी पाद के लिए ये व्यक्ति का जवान खींच के बाहर निकाल देना, उसको नंगा बनाना, ये त्रिनादपि भाव का सम स्पेशल एक्सप्रेशन ऑफ त्रिनादपि जीव गोस्वामी पाद का। वृंदावन दास ठाकुर महाशय अगर ऐसा कहे कि इतना समझाने का बाद भी नहीं समझा, इतना प्रमाण दिया, तब मैं लाठी लगाना चाहता हूँ लोगों का सर पे, मतलब अपना चरण धूलि देकर इन लोगों का जो विचार है उसको बदल है। नई शांतिस्तावा दुरु क्रमांगी स्पृशतनापगमो यदर्थो मही असापदरजो विषेकम निष्किंचनाणीतो जावत। यही तो अपुलाद, इसीलिए अपना धूलि जिसका कीमत भगवान भी चुका नहीं सकता, ये धूलि धूलि वो बदमा, वो जो ये जो निंदुक है लोगों का सर पर देके, उसको मंगल करने के लिए ऐसा बताया। सोचो क्या बात है। महाप्रभु जी ने भी दिग्विजयी पंडित को मायापुर में गंगा का किनारे जो विचार बताया था वहां भी सम्मान दिया, और बाद में नेक्स्ट डे जब सरस्वती का आराधना करके रात को संतुष्ट किया, सरस्वती ने बताया ये मेरा पति देवता है, हैं वहां मेरा पति है, इनके सामने मेरा चलेगी नहीं, इसलिए मैं जवान नहीं खुल जाओ, ये भगवान है पर अच्छा। पूरा जाके पैर में शरण लिया, महापुर जी ने बताया देखो दिग्विजय कोरी वो विद्यार कार्य नहीं, विद्या का ये काम नहीं है कि जगह जगह घूम के हम प्रमाण करें कि मैं दिग्विजयी हूं। अरे छागल क्या होगा,
महाप्रभु जी ने बताया कि तुमने दिग्विजय करने के लिए निकाला, लेकिन विद्या का रिजल्ट ये नहीं है। दैट इज नॉट द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ एजुकेशन दैट यू हैव रिसीव्ड। विद्या का ये फल नहीं है। शैष विद्यार फल जानी हो निश्चय, महाप्रभु जी ने बताया, शैष विद्यार फल जानी हो निश्चय कृष्ण चरणे चित्तवित्त रहे। यही विद्या का अल्टीमेट विद्या है। दैट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ एजुकेशन व्हाट आई हैव रिसीव्ड माय लाइफ। इफ आई एम गोइंग टू सबमिट अन टू लोटस फीट ऑफ कृष्ण, कृष्ण चरण में मेरा मन टिके रहे, भगवान श्री कृष्ण के चरण में मेरा मन टिके रहे, बस यही तो है मकसद, रिजल्ट है। और क्या रिजल्ट है? यही तो असली रिजल्ट है। महापुरुष जी ने बताया, शेष विद्यार फल जानियो निश्चय कृष्ण चरणे चित्तवित्ति रहे। महापुरुष जी ने दिग्विजय पंडित जब सुबह में आए, चरण में गिरा है और रोते रहे, बोले भाई क्या हुआ महाराज, हमने गलती किया काज, हमको समझ में नहीं आया, हमने कर दिया। महापुरुष जी देखो जाओ दिग्विजय करूंगा, ये विद्या का कार्य नहीं है, विद्या का यूटिलिटी ये नहीं है। विद्या भगवत अवधि लिखा हुआ है। और भागवत जी महापुराण 11 स्कंद में उद्धव जी को भगवान बताया, शा विद्या तत्मतिर्जया। देखो कितना सुंदर, उद्धव जी बड़ा चालू है, सुंदर भक्त तो चालू होता ही है। भगवान को पूछा, अच्छा विद्या किसका नाम है, किसको विद्या विद्वावान बोला जाता है, विद्वान? शा विद्या तत्मतिर्जया, उसी को ही विद्या माना जाएगा जिसके द्वारा मेरा चरण में भक्ति हो जाए। शा विद्या तत्मतिर्जया, जिसके द्वारा मेरा चरण में लगन लग जाए, यही विद्या है। बाकी अविद्या है। भक्तिमय ठाकुर जी ने भी बताया ना, जड़ विद्या जतो मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जन्मिया जीव के करवे गाधा। लिखा हुआ ना, बस हो गया काम खत्म। दिग्विजय करिब विद्यार कार्य नहे, ईश्वर भजिले से ही विद्या सत्य कहे। भगवान का भजन करे तो ये विद्या सच्चा है। और अपना शत्रु भी है। पोपा जी ने कई बार बताया, मेरा परम शत्रु का भी अमंगल कामना मेरे हृदय में ना आए। जिन्होंने खमाखा मेरे को शत्रु मान के कुछ कर रहा है, फिर भी पापा जी ने बताया, मेरा परम शत्रु का भी अमंगल कामना मेरा हृदय में कभी भी उदय ना हो जाए। ये प्रार्थना विनती है भगवान का चरण में। किसी का हिंसा करना उचित नहीं है, किसी का भी हिंसा करना उचित नहीं है। हिंसा का डेफिनेशन मैंने 8 महीना पहले बता दिया, पौपात का अनुगत्व में। पौपात कहते थे, फिजिकल असॉल्ट इज नॉट एक्चुअल, फिजिकल असॉल्ट हिंसा है, ये ठीक ये तो है ही है, लेकिन ये पक्का बात नहीं, क्योंकि जीव जो है, जीव हिंसा, जीव तो शरीर नहीं है ना, बात को समझो, जीव तो शरीर नहीं है ना, जीव तो आत्मा है। तो ऐसे कैसे बता दिया, जीवों का फिजिकल असॉल्ट, अपमान है, उद्वेग देना, ये सब हिंसा है।
लेकिन जीव तो शरीर नहीं है ना, जीव तो आत्मा है, तो ये एक्चुअल मीनिंग नहीं है। जीवे प्रेम करे ये यौन से ही यौन से भी ये ईश्वर पागलपंथी, पागलपंथी अपने आप समझा नहीं, जो चीज मैंने खुद ही समझा नहीं आपको कैसे समझा सकता, जो चीज मैंने खुद ही समझा नहीं आपको कैसे समझा सकता, संभव है? जीवे प्रेम कर ये जन, अरे जीव क्या है, तुम खाते हो मछली मांसों से खा रहे हो, तुम मायावादी हो, एक जीव बात, जीव असंख्य है अनगिनत है, लेकिन बोल दो तुम तुम्हारा विचार के अनुसार ये सब जीव नहीं है, तुम खाते हो तो फालतू बातें करते हो, जिसका कोई बात का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हो? जीवे प्रेम कर जय जन से ही जन से विजेश्वर अहिंसा परम धर्म। अरे किसने बताया अहिंसा परम धर्म? अहिंसा तो एथिकल धर्म है, किसी को उद्वेग नहीं देना, किसी को ठेस पहुंचाना उचित नहीं, किसी को मारना है, तो जनरल धर्म मतलब भागवत धर्म, आत्मधर्म, आत्मा का धर्म। सब ई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधक्ष ये अहितु के अप्रतियता ये आत्मा सुप्रसिद्ध, यही तो भगवत धर्म। प्रभुपाद जी ने एक इवोल्यूशन लाया जगत में, इवोल्यूशन लाया, जीव हिंसा ये नहीं है। भक्ति का विषय में जानते हुए भी, आचार आदर्श आचरण गुरुवर्गों का जानते हुए भी दूसरे को उल्टा रास्ता में चलाना, कर्म ज्ञान ध्यान ये सब उपदेश देना भक्ति छोड़कर, यही असली जीविंसा है। कल इस विषय में कल हम चर्चा करेंगे, इस विषय चर्चा करना जरूरी है। आज यहीं चर्चा का विषम देख, क्षमा करे उपाय नहीं है, यहाँ चर्चा का विश्राम दे और कलो भागवतम नाम दुर्लभम नैव लभ्यते ब्रह्मो रुद्रो प्रदत्कृष्टम गुरुना कथितम मम वांछकल्पतरुष्य कृपासिन्धुभ्यो च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।